C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। ये शान है हमारे बड़े बेटे, ये अस्मिता के माता पिता हैं और ये उनके भाई। क्या तमाशा लगा के रखा है मेरे परिवार का, वो भी अपने सो कॉल्ड असली परिवार के साथ। अस्मिता आप ठीक तो हैं? क्या होगा अस्मिता के अटूट भरोसे का शांतनु पर, जब खुल जाएगा बंद दरवाजे का राज? क्या फिर होगी एक नई परीक्षा इनकी प्रेम कहानी की? क्या होगा अस्मिता के अटूट भरोसे का शांतनु पर, जब खुल जाएगा बंद दरवाजे का राज? क्या फिर होगी एक नई परीक्षा इनकी प्रेम कहानी की? पिछले 20 साल से तुमने एक ही रट लगा के रखी है कि निवी माँ बुरी है, मुझे बर्बाद करना चाहती है, उसी बात का तुम रिवेंज ले रही हो ना यहाँ पे पूछ के? अपने झूठे मुखौटे से बाहर निकल के आखिर मान ही लिया दो दोस्तों ने अपनी दोस्ती को। देखना ये है कि इन परिस्थितियों में ये क्या अपनी दोस्ती निभा पाएंगे या फिर दोस्त बन जाएंगे दुश्मन। अगर तुम्हारे अंदर पुचकी का छोटा सा भी अंश है ना, तो यहाँ से दूर चली जाओ। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें इस रिश्ते से, बताओ? अपना अतीत नहीं जानती हो क्या तुम? किस गंदी गली की पैदाइश हो, उन गलियों की मिट्टी से दुर्गा माँ की मूरत बन सकते हैं, लेकिन वहाँ की लड़की किसी के घर की बहू नहीं बन सकती। हमें शान मजुमदार के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। अगर ऐसा है तो मैं खुद अपने बचपन के दोस्त और उसकी दोस्ती को अपने हाथों से शूट कर दूंगी। मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे बहू एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरी हृदय से सगाई तय हो चुकी है, क्या सोच रहे हो तुम? किस्मत फिर ले रही है इन दोस्तों की परीक्षा। क्या किस्मत से लड़कर मिल पाएंगे शांतनु और अस्मिता, या फिर होगी इस प्रेम कहानी की कोई नई परिभाषा? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? भगवान ने ना एक दिमाग और दिल दिया जो मैं इस्तेमाल करना सीख गई। मैं हृदय से सगाई करूंगी। तुम हृदय से प्यार नहीं करती, और जिस रिश्ते में प्यार नहीं है वो रिश्ता शान मौजूमदार नहीं होने देगा। ये मेरा चैलेंज मिस अस्मिता कुमार। चैलेंज एक्सेप्टेड। जस्ट वेट एंड वॉच। आखिर क्या प्रूव करना चाहते हो? बोलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे मुझे देखो। क्यों शांतनु, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों शादी करना चाहते हो मारो पिता? आखिर क्यों? अगर यही सारे सवाल मैं तुमसे करूँ तो कितना जानते हो हृदय को? क्यों कर रही हो उससे शादी? काम ये है हमारी एंगेजमेंट रिंग पसंद करना। आपको जो पसंद हो ना वो आप ले लीजिए। कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी? ये वाली। क्या बचपन के दो दोस्त को एक दूसरे के प्यार का एहसास हो चुका है? ये कुछ तोहफे हैं हमारी तरफ से। शीला जी, ये सब क्या है? अब देखिए, हमें ये लेनदेन वैसे भी पसंद नहीं। मजुमदार जी, आप भी कभी ना छोटी बात कह देते। ये लेनदेन नहीं है, ये तो टोकन। शगुन है शगुन। अरे आप लोग खड़े होके मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए, इनकी गाड़ी में रख दीजिए। शीला जी, आप परुमिता हमारे इकलौती वारिस हैं। आज हमारे पास जो कुछ है वो कल परुमिता का है, आपके शान का है ना? आज है तो हम दे रहे हैं, आपकी छोटी बहू जैसे थोड़ी, जिसे एक्सपेक्ट करना ही बहुत बड़ी
बात हो जाएगी। वैसे मजुमदार जी, ये तो आपका बड़ापन है कि आप अपनी छोटी बहू को एक जोड़ी कपड़े में अपना रहे, है ना? तू ये सब शांतनु के लिए कर रही है ना गुड़िया? शांतनु को किसी और के साथ देखकर तुझे कितनी चुभन होती होगी ये मैं समझ सकता हूँ बिटिया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है बाबा, मैं उसे किसी और के साथ देखती हूँ तो धनी मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है? परी मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने बूढ़ों के साथ प्यार तो नहीं हो गया है? ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन और नामुमकिन वो सब प्यार करने वालों के हाथों में कहाँ होता है बिटिया। शांतनु के लिए जो तकलीफ और जो दर्द तुझे महसूस हो रहा है वही दर्द और तड़प तुम्हें किसी और के लिए महसूस हुई है क्या बिटिया रानी? अब जानते ना बाबा, हम दोनों दोस्त हैं। कौन सा नियम कहता है कि दो दोस्त एक दूसरे के साथ प्यार नहीं कर सकते? आपको क्या हुआ? पहले उन्हें आपकी शादी से प्रॉब्लम थी, फिर आपकी एंगेजमेंट डिले करने की कोशिश की, और अब ये। क्या अस्मिता बन जाएगी दो भाइयों के बीच पड़ने वाली दरार का कारण, या है इस कहानी का कोई अगला मोड़? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए। इस बार गुड्डन जो हर बार अपने ही तरीके से हल करती आई है सारी मुसीबतें, फंसी है अक्षत के साथ दत्ता और पर्व के बिछाए हुए जाल में। जब गुड्डन और अक्षत हैं संगीन हालातों के शिकार, कैसे पूरी करेगी दोनों की प्रेम कहानी को ऊपर वाले की मजार, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कल्याणी को मल्हार के साथ देख लो। अरे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है उसके साथ, अभी तक पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया है उसे। सही कह रही थी आई, बच्चे की जिम्मेदारी तुम पे सौंपना खतरे से खाली नहीं है। जब काम कर रही होती हो तो आई को सौंप दिया करो ना बच्चे को। क्यों रखा है आई को? चुप। कल्याणी पर की हुई जातियों की मदद से हम दुनिया वालों को बताएंगे कि तुम इंसान से राक्षस बन चुके हो। Look, Mr. King, मुझे ऐसा लगा था कि प्रज्ञा ने अभी तक आपको सब कुछ बता दिया होगा। Come to the point. The point is that your wife, Pragya, is a cheater. धोखेबाज है। जिस माथे पे सिंदूर होना चाहिए उस माथे पे शिकन है, और तुम्हारी चुप्पी ने ये सब कुछ कह दिया कि तुम्हारे और मिस्टर सिंह के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। आज मैं पृथ्वी की वजह से ही खड़ी हुई हूँ। पृथ्वी का सच बताने के लिए मैं आज जिंदा हूँ। हम पानी का एक ग्लास भी ना अपने घर से पिएंगे ना इस घर से, तो ये जेवर बेचना हमारी मजबूरी है। आज तक अहमद खानदान ने कभी भी जेवर बेचे नहीं, सिर्फ खरीदे। 3,75,000 रुपए साहब। क्या है ये? अम्मी, हमने इस घर का नमक और रोटी खाई थी ना, और अब हमारा चाय पीने का दिल। सारा, सारा! के पावन अवसर पर अगले सोमवार देखिए। घर में बदलाव आएगा तो ही तो हमारे समाज में बदलाव आएगा। आज तो इसने साबित कर दिया है कि इसका प्यार कितना मजबूत और गहरा है। हमको गर्व होता है तुम्हारे जैसा बेटा पाकर। मम्मा, अगर बेस्ट डैड के साथ रहने की आदत है तो हस्बैंड भी आइकॉनिक होना चाहिए ना? ये कलश के सहारे अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कियो है, पर आप मारा व्रत पूरा करोगे राणा साहब?